मैं हूँ रेहान खान गुरबो तालेबू के। जैसे फेस्टिवल ए ग्रेड है गुरबो में, उसी तरह मिर्ची एफएम नंबर वन है गुरबो में। एलिन लटका में मिर्ची एफएम को लॉक कर दिया जाए, मिर्ची एफएम इट्स हॉट। हम नकासी से सायमान है, हमारा फेस्टिवल जैसे नंबर वन है वैसे मिर्ची एफएम नंबर वन है। माय नेम इज दिनेश, हम नेंडी में काम करता है स्लीपिंग जॉइंट जिपलाइन में, और मिर्ची एफएम इज हॉट, आई लाइक इट। मिर्ची एफएम इट्स हॉट। नमस्कार फीजी, समाचार दर्शन के साथ ऋतिका प्रताप। स्वर्गीय फोमा वाइस प्रेसिडेंट रातुचोनी मनराई वीवी के शो को उनके चीफ ली आलन बाउ ले जाया जा चुका है। उनके शो को आज शाम सुबह से फीजी मिलिट्री फोर्सेस के सदस्यों द्वारा ले जाया गया। नतेना क्लेन से प्राइम मिनिस्टर वोरेंगे बेनीमरामा ने उनके प्रोसेशन की अगुवाई की, जबकि स्वर्गीय रातुचोनी बेनीमरामा के हाई चीफ थे। सुबह से बाउ आलन उनके शो को जब ले जाया जा रहा था, तब भारी मात्रा में लोगों ने उनके प्रति अपने आदर को दर्शाया। उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। फिजी रेवेन्यू एंड कस्टम्स अथॉरिटी 2016-2017 फिस्कल ईयर के लिए अनुमानित रेवेन्यू कलेक्शन के लिए सही मार्ग पर है। इस फिस्कल ईयर में वे 2.68 बिलियन डॉलर्स रेवेन्यू बटोरना चाहते हैं। एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव विश्वनाथ दास ने बताया कि ऐसा उनके नए वेट मॉनिटरिंग सिस्टम से सफल हो सकेगा, जो इस वर्ष के अंत में असर में आएगा। सरकार के नए फाइनेंशियल ईयर के शुरू हुए केवल 2 महीने हुए हैं और फर्का ने अभी तक लगभग 450 मिलियन डॉलर्स बटोर लिया है। दास ने बताया कि वे वॉलेंट्री कॉम्प्लायंस पर ज्यादा गौर कर रहे हैं ताकि टैक्स इवेजन वाली समस्या से निपटा जा सके। बाय सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ फिजी उन लोगों पर जुर्माना लागू करेगा जो टर्माइट्स को फैलने से रोकने के लिए लागू इमरजेंसी डिक्लेरेशंस का उल्लंघन करेंगे। अथॉरिटी का कहना है कि टर्माइट्स इन्फेस्टेशन और बिगड़ सकता है अगर लोग चेतावनियों का पालन नहीं करेंगे। लौतोका और लंबासा में यह समस्या 10 से ज्यादा सालों से है और बेफ के एग्जीक्यूटिव चेयर एक्जेवियर रियाज खान ने बताया कि अब केवल इन टर्माइट्स को अन्य इलाकों तक फैलने से रोकने पर ध्यान देने की जरूरत है। इस वर्ष अभी तक अथॉरिटी ने लौतोका में 2600 घरों का निरीक्षण किया है और लंबासा में लगभग 250 घरों का। खान ने बताया कि अथॉरिटी अपने मैन पावर और इक्विपमेंट को इन्फेस्टेड इलाकों में परिवार वालों को मदद करने में लगा रहा है। अगर लोगों को इमरजेंसी डिक्लेरेशन का उल्लंघन करते पकड़ा गया तो उन पर ज्यादा से ज्यादा $20,000 जुर्माना लागू हो सकता है, जबकि कॉर्पोरेट कंपनीज पर $100,000। और खेलकूद में आज से नतनदोला में शुरू हुए फिजी इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलियन गोल्फर एंथनी ह्यूस्टन ने अर्ली लीड हासिल कर ली है। उन्होंने 7 अंडर पार 65 स्कोर किया। ह्यूस्टन ने पिछले वर्ष विजय सिंह द्वारा रिकॉर्ड किए गए कोर्स हासिल कर लिया है। फिलहाल सिंह ने 2 अंडर पार 70 कार्ड किया और 21st पोजीशन पर है। फिजी इंटरनेशनल को आप FBC TV पर लाइव देख सकते हैं। ये थे आज के मुख्य समाचार। याद रहे समाचारों के लिए आप रेडियो फिजी 2 और मिर्ची FM को सुन सकते हैं। शुभरात्रि। रेडियो फिजी 2 हमारे अच्छा प्रोग्राम है। हमारे कोरबंगा के सभी लोग रेडियो फिजी ज़्यादा सुनते हैं। रेडियो फिजी 2 देश के धड़कन हमारे लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम। प्रणाम फिजी, मैं नवनीता लकेना में रहती हूँ। पूरी दुनिया भर की खबर मैं रेडियो फिजी 2 से सुनती हूँ। मैं देवेंद्र विजय बनीबाउ के रहने वाला हूँ। रेडियो फिजी 2 देश की धड़कन मैं हर वक्त सुनता हूँ और मुझे बहुत आनंद मिलता है। रेडियो फिजी 2 देश की धड़कन।